स्वागत है दोस्तों आपका नंद के गार्डन में। आज मैंने एक आपको पहले दिखाई है इसकी पिक कि किस तरह से मदर प्लांट कितना हेल्दी है और इनको और ये उसके चिक्स साथ में छोटे हैं, लेकिन मैं आज बता रही हूँ हाउ अग्रेसिवली चिक्स ग्रो। जब हम उसको रिपोर्ट नहीं करते टाइम से तो ये मदर प्लांट को नीचे दबा के किस तरह इसके पप्स आगे ऊपर निकल आते हैं। ये देखिए, ये मदर प्लांट, मैंने इसको, इसने मुझे सिग्नल भी दिया कि इनको बड़ा पॉट चाहिए, लेकिन मैं थोड़े दिन लेट हो गई, तो अब ये इस तरह से मदर प्लांट को दबा के सब चिक्स ऊपर आ गए। जैसा कि इस प्लांट का नाम ही है सेम्पिवीरियम टेक्टोरम, इसका मतलब है लिव फॉरएवर, मतलब ये प्लांट, मदर प्लांट अपने जैसे ही बिल्कुल पप्स, चिक्स जिसको बोलते हैं, वो पैदा करता है और ताकि वो बड़े हो जाएं। और अब मैं इनको अलग करके इनको एक नया पॉट दे रही हूँ। अब इसका मदर प्लांट तो रिवाइव नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मुझे उसको हटाना ही पड़ेगा। मैं सारे इनको अलग करती हूँ। और इसकी आप इस तरह से जब अलग करें तो नीचे इसकी सारी जो डेड लीफ है वो निकाल दें, ताकि उसमें कुछ भी पेट्स वगैरह का अटैक ना हो। ये आप जब भी रिपोर्टिंग करें तो स्प्रिंग या समर में करें, लेकिन जब इस तरह से अग्रेसिवली इसके पप्स बड़े हो जाएं तब आपको उसी टाइम इनको एक नया पॉट देना पड़ेगा। ये प्लांट बहुत ही वैसे हार्डी है जो कि डायरेक्ट सनलाइट इसको नहीं चाहिए, लेकिन ब्राइट सनलाइट में ये बहुत अच्छा चलता है और ये सर्दियों में डोरमेंसी में चला जाता है, लेकिन गर्मी में ये बहुत ही बढ़िया से चलते हैं। इसकी रूट शैलो होती है, तो आप इसको किसी भी ज़्यादा गहरे पॉट में ना लगा के किसी भी शैलो पॉट में लगा सकते हैं। इसके लिए आपको वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, बहुत अच्छी ड्रेनेज वाला पॉट चाहिए, और इसके लिए सनलाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इसको इंडोर भी रख सकते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपको इसको या विंडो के पास रखें। ये देखिए, सारे मैंने डेड लीव हटा के मैंने इसको रिपॉट कर दिया। अगर मैं थोड़ा पहले कर लेती तो शायद इसका मदर प्लांट बच जाता, लेकिन आप अगर ठीक टाइम से नहीं करेंगे तो इस तरह आपको, ये देखिए, अभी मैंने ये अच्छे से इनको रिपॉट कर लिया और इसके साथ मैंने ड्रेसिंग डाल दी ऊपर से, टॉप ड्रेसिंग। इसको इतना कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती, और इसमें आप पानी तभी डालें जब इसका पॉट ड्राई हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पानी में रहना सेम्पिवीरियम पसंद नहीं करता। और इसको ऑफसेट से ग्रो करना बहुत आसान है, इसकी लीफ से ये ग्रो होने में काफ़ी टाइम लेता है। तो ये देखिए, मैंने खूबसूरत मेरा सेम्पिवीरियम तैयार है।
ये आपको याद होगा पहले भी इस तरह से मैंने एक इसके चिक्स को इस तरह से अलग किया था। ये देखिए कितनी खूबसूरती से बढ़ रहे हैं। और आज मैंने अपने इसको रिपॉट किया है। अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।